न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। कापासारा में भूधसान। निरसा थाना अंतर्गत ECL मुगमा क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग में रविवार की सुबह जोरदार आवाज के साथ 10 फीट जमीन धस गई, जिससे वहां अवैध कोयला काटने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। आशंका बताई जाती है कि भूधसान में कुछ लोग दब गए हैं। गनीमत रही कि भूधसान से पूर्व आहिस्ता आहिस्ता जमीन बैठा, इससे अवैध खनन में लगे लोग उक्त स्थल से भाग निकले। घटना की सूचना पर जब वहां पहुंचे तो देखा कि दर्जनों लोग कोयला लेकर भाग रहे। हालांकि घटना की सूचना पर कापासारा के कर्मी मौके पर पहुंचकर सभी को हटाते देखे गए। लोगों ने बताया कि रोजाना दर्जनों लोग कोयला निकालने के लिए अवैध खनन में जाते हैं। रविवार की सुबह भूधसान के समय भी कुछ लोग अवैध खनन में लगे हुए थे, मगर किसी ने दबने की पुष्टि नहीं की। बता दें कि हावड़ा नई दिल्ली मुख्य मार्ग से मात्र 300 मीटर की दूरी पर चालू कापासारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन की जाती है। इसमें सैकड़ों की संख्या में भारी मजदूरों को बुलाकर कोयला कटवाकर आसपास के भट्टों में पहुंचाया जाता है।